स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। कच्चे माल के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं? तो आइए तीन प्रकार के यहाँ पर लिखे हैं, कच्चे माल के आधार पर उद्योग। तो पहला कौन सा आ जाएगा? कृषि आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसे भोजन प्रसंस्करण उद्योग, यानी कि खाना पकाने, खाना जो है पैक भोजन, जैसे कि भोजन प्रसंस्करण में क्या हुआ, कच्चा जैसे कि सूजी खरीदते हैं तो सूजी कहाँ से आया, वो भोजन संस्करण फैक्ट्री से आया, ठीक है। चीनी उद्योग की बात करें तो यह भी क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है। जूट, चाय, कॉफी, रबर, ये सभी कृषि आधारित उद्योग में आता है। अब दूसरा कौन सा लिखा गया, खनिज आधारित उद्योग की बात करते हैं। ऐसे उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करते हैं। जैसे लोह धातु खनिज का उद्योग उपयोग करने वाला कौन सा होगा, लोह इस्पात उद्योग हो जाएगा। लोह धात्विक खनिज का उपयोग करने वाला क्या हो जाएगा, कौन सा उद्योग हो जाएगा, जैसे एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग। और धात्विक खनिज का उपयोग करने वाला जो फैक्ट्री होगा क्या हो जाएगा, जैसे सीमेंट उद्योग, चीनी, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योग, ये सभी किस में आते हैं, खनिज आधारित उद्योग में आते हैं। अब लास्ट देख लीजिए, रासायन आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। जैसे पेट्रो रसायन हो गया, नमक उद्योग हो गया, पोटास उद्योग हो गया, प्लास्टिक उद्योग हो गया, कृत्रिम रेशे बनाने वाला उद्योग हो गया, ये सभी क्या है, रासायनिक उद्योग है। तो ये था आपके कच्चे माल के आधारित उदाहरण जो है उद्योगों का वर्गीकरण। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।